वेलकम गाइस, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ कैश क्लब पर्सनल लोन एप्लीकेशन के। आप लोग देख सकते हो ये वाली एप्लीकेशन आप लोगों को कहाँ पे मिल सकता है, फेसबुक पे या तो इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट पे मिल सकता है। आप लोगों को यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से ऐसा ही इंटरफेस मिलेगा, लेकिन ये गूगल प्ले स्टोर है नहीं, ठीक है। डेवलपर ने खुद से ये इंटरफेस बनाया है गूगल प्ले स्टोर से सिमिलर। और यहाँ पे गाइस ये एप्लीकेशन वाले बहुत सारी क्लेम कर रहे हैं कि 3,000 रुपीज़ से 50,000 तक आप लोगों को लोन दे देंगे, 28% के आसपास इंटरेस्ट रेट पे आप लोगों को लोन मिलेंगे, 92 डेज से 180 डेज तक यहाँ पे रिपेमेंट पीरियड मिलेगा, ऐसा भी ये लोग बता रहे हैं। 5-स्टार रिव्यू भी ये लोग दिखा रहे हैं। लेकिन भाई रियलिटी में ये एप्लीकेशन कैसा है आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फेक एप्लीकेशन है ये भी मैं बताऊँगा। NBFC रजिस्टर्ड है या नहीं, यहाँ पर एप्लीकेशन सेफ है या नहीं, आप लोगों को लोन वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या क्या इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को क्या करना है, पूरी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस। और एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट पे पूछते रहते हैं कि भाई हमें लोन चाहिए, कहाँ पे हमें लोन मिलेगा। तो भाई आप लोगों के लिए मैंने एक लिस्ट बनाया है इंडिया की top 10 पर्सनल लोन एप्लीकेशन की, तो वो वाली लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे। आप लोग जाके एक बार देख लेना, उन सारी एप्लीकेशंस पे अगर आप लोग अप्लाई करोगे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि भाई आप लोगों को लोन मिलेगा, ठीक है। तो बस देख लेना अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो, ठीक है। अभी गाइस देखो, ये जो कैश क्लब एप्लीकेशन है ना, लोग यहाँ पे आते हैं, लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और लोग फंस जाते हैं। अभी मैं बता दूँ, ये एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अपनी मोबाइल पे इंस्टॉल कर लिया तो ये लोग आपकी पूरी परमिशंस ले लेंगे, आपके मोबाइल का पूरा डाटा ये लोग कलेक्ट कर लेंगे, आपकी फ़ोटोज़, वीडियोस, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, पूरी चीज़ें ये लोग उठा लेंगे। और उसके बाद आप लोगों के साथ भाई 2-3 टाइप का स्कैम यहाँ पर हो सकता है। पहली बात तो आप लोगों को कोई भी लोन ये लोग नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों से रिपेमेंट के लिए फोर्स करेंगे, मतलब आप लोगों को फेक लोन दिखा के आप लोगों को रिपेमेंट के लिए फोर्स करेंगे, ऐसा वाला स्कैम हो सकता है। दूसरी वाली स्कैम भाई यहाँ पे लोन ट्रैप में आप लोगों को फंसा सकता है। आप लोगों को 3,000-4,000 का लोन देके 7-6 डेज में ही डबल या तो ट्रिपल आप लोगों से रिपेमेंट के लिए मांग सकता है। और भाई यहाँ पे अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं करोगे, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन वाले क्या करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल मैसेज करना शुरू कर देंगे, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को गलत इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे ये एप्लीकेशन कोई भी NBFC रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। और कुछ कुछ केसेस में ये एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं, आप लोगों से पूरी आपकी डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में आपकी डाटा को रीसेल करके पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल भाई ये जो एप्लीकेशन है ना, कोई भी NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी यहाँ पे जेन्युइन एप्लीकेशन नहीं है, एक भाई शॉर्ट पीरियड लोन एप्लीकेशन है। अगर आप लोगों को 7-14 डेज के लिए लोन लेना है तो आप लोग इस एप्लीकेशन पे ट्राई कर सकते हो, ऐसे अच्छा एप्लीकेशन नहीं है गाइस। अगर आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे कोई भी हैरेसमेंट का सामना करना होता है तो भाई आप लोग मिंत्रा साइबर क्राइम पे कंप्लेन कर सकते हो। कैसे करना है उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ओवरऑल भाई जितना हो सके इस एप्लीकेशन से दूर ही रहो, मैं तो रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा गाइस क्योंकि अच्छा एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो बस इतना ही बताना था गाइस, अभी आप लोगों के ऊपर है, कोई स्पेसिफिक अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट पे ज़रूर बताओ, मैं जितना हो सके आप लोगों को हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।